अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मैं जा रही थी अपने कज़न के घर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम वीडियो भी बना लें साथ साथ। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा, अभी हम चलते हैं कि हम क्या पहनने वाले हैं आज। ये ड्रेस निकाला है और मैं आज ये ड्रेस पहन के जाऊँगी। तो चले, ड्रेस चेंज कर लिया है, अब मैं अपना मेकअप करूँगी, आप लोग मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा कि मैं कैसे मेकअप करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ, जर्न फार्म का ये मॉइस्चराइजर है एंड इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी पूरा अच्छे तरीके से एंड उसके बाद मैं प्राइमर यूज़ करूँगी। सर्दी आ गई हैं तो स्किन बहुत ही ड्राई हो गई है और मेरी तो काफ़ी ही सेंसिटिव स्किन है और मोस्टली लोगों की सर्दियों में अमूमन ड्राई ही रहती है स्किन, तो इसलिए आप लोग मॉइस्चराइज़र अपना यूज़ करते रहते हैं। इसमें मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। प्राइमर मेरा हो गया है, उसके बाद मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ मिसफेस का। मेकअप मुझे वैसे इतना खास आता नहीं है लेकिन आता भी है नहीं भी आता लेकिन ठीक है कर लेती हूँ। इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ लेकिन इतना तो कर लेती हूँ कि पता चले कि हाँ भाई सही लग रही है बंदी कहीं दे रही है। तो कराची में तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, बहुत ज़्यादा। आप लोग बताएं कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और आपके वहाँ उधर ठंड हो रही है, सर्दी हो रही है या नहीं हो रही, आप लोग मुझे बताएं। तब तक मैं अपना फाउंडेशन सही से अपना फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ अच्छे तरीके से पूरे मुंह पे और मुझे जल्दी भी हो रही क्योंकि मुझे जाना है और मैं लेट ना हो जाऊँ, बाकी सब तैयार हो जाए और फिर मैं लेट ना हो जाऊँ, फिर सब मेरा वेट कर रहे हो बाहर। मुझे नहीं पसंद ये सब, मैं चाहती हूँ कि मैं टाइम से तैयार हो जाऊँ ताकि किसी को वेट करना ना पड़े। ये जो वेट करना पड़ता है ना बहुत ही बुरा लगता है। आप अपने खुद के ऊपर रख के सोचो ना कि आप किसी का वेट करें तो आपको कैसा लगेगा, तो अगर आप किसी को वेट करें तो लोगों को कैसा लग रहा होगा, अच्छा तो नहीं लग रहा होगा। तो बस वही बात है, फाउंडेशन हो गया है अच्छे से ब्लेंड। अब मैं लगाने जा रही हूँ मिस रोज़ का ये कंसीलर, आई लव इट। तो कंसीलर अप्लाई करते हैं, ना ज़्यादा भी नहीं करना आपने कि आप बिल्कुल ही ओवर हो जाएं, बस नॉर्मल सा हल्का सा आपने, अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तो आप पहले ऑरेंज करेक्टर लगाएं एले गर्ल का, वो बहुत अच्छा होता है डार्क सर्कल्स हाइड करने हैं जिसको। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इतने डार्क सर्कल्स हैं नहीं तो इतना मैं करेक्टर यूज़ नहीं करती, बस जस्ट कंसीलर अप्लाई करती हूँ, वो भी बहुत कम इतना। मैं ये कंट्रोल ब्राउन शेड ले रही हूँ and
This is my final look. बहुत ही प्यारा इसका नेट का दुपट्टा है. I love this color. I love this net dupatta. I love. और मेकअप तो देख ही चुके हैं आप लोग. तो चले मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है. और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. बहुत सारा प्यार आप लोग को मेरी तरफ से. और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए.